हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का ड्रामा। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम ड्रामा, स्पेशली फॉर यूके एलटी एग्जामिनेशन। और ड्रामा जैसे कि एक लिटरेरी फॉर्म है, सभी के सिलेबस में कंपलसरी होती ही है। लिटरेरी फॉर्म्स वो डिवाइड कर देते हैं राइटर्स को, लेकिन लिटरेरी फॉर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, ग्रामर तो सबके सिलेबस में एज इट इज़ आता ही है। तो ड्रामा एक हमारा लिटरेरी फॉर्म है, ड्रामा, प्रोज, पोइट्री। ओके, तो अब जैसे कि यूके एलटी में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें जो ड्रामा है, ब्रिटिश प्रोज है, तो ड्रामा में सिर्फ ड्रामा लिखा है सिलेबस में। उन्होंने राइटर नेम नहीं लिखे, उन्होंने वर्क नहीं लिखा, तो हम ड्रामा से कैसे क्वेश्चन पढ़ें वो आज हम इस लेसन में देखेंगे कि ड्रामा से, लिटरेरी फॉर्म से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न क्या रहेगा क्वेश्चंस का, टाइप्स किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, कैसा लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो रहता है इस टॉपिक से वो आज हम देखेंगे। ड्रामास की फॉर्म, ड्रामा से वर्क है तो कौन से वर्क से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट कौन से हो गए, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ही रेयर और यूनिक क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी रही, फर्स्ट कॉमेडी कौन सी रही, ग्रेव ऑफ ट्रेजेडी कौन से वर्क को कहा जाता है, यस ग्रेव यानी कि ट्रेजेडी का कब्र, ऐसे मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, मिरेकल प्ले, ये सब ड्रामा के तहत आते हैं। और बहुत ही शॉर्ट में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन विद एनालिसिस आज हम इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। लेसन को एंड तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द मिस्ट्री प्ले डील्स विद, मिस्ट्री प्ले डील करता है किसके साथ, तो आंसर इज बिब्लिकल थीम। बिब्लिकल थीम क्या होता है, जो बाइबल, इसमें जो वर्ड है ना बिब्लिकल, ये बाइबल से बना है। बाइबल बिब्लिकल थीम्स यानी बाइबल, और उसमें चर्च, एडम, ईव, जजमेंट डे, जीसस क्राइस्ट, उनकी लाइफ, उनके डेथ, इस तरह के जो टॉपिक से रिलेटेड प्लेस लिखे जाते हैं वो होते हैं मिस्ट्री प्ले। ओके, एज इट इज़ क्वेश्चन इसका यही बनता है। ओके, तो ये बिब्लिकल थीम्स और मिस्ट्री प्ले, मिस्ट्री या रहस्य, आज आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जाएगा था, मिरेकल प्लेस प्रिंसिपली डील विद द मिरेकल्स परफॉर्म्ड बाय। अब मिरेकल प्लेस होते हैं, एक हो गए मिस्ट्री, देन मिरेकल प्लेस से क्वेश्चन हमारा आ रहा है, तो वो मिरेकल्स जो होते हैं मिरेकल प्ले में, ऑब्वियस बात है नाम ही उसका मिरेकल है, तो मिरेकल्स परफॉर्म्ड किसके द्वारा होते हैं, आंसर इज सेंट एंड सेजेस, साधु संत महात्मा जो होते हैं उनके द्वारा जो होते हैं। ओके, तो इनको ऑल्सो कॉल्ड, जो मिरेकल प्लेज हैं ऑल्सो कॉल्ड सेंट्स प्ले, यस एस ए आई एन टी सेंट्स प्ले एपोस्ट्रॉफी एस। ओके, तो ये ऐसे भी कहे जाते हैं, जैसे कि सेंट्स और सेजेस इसमें करते हैं मिरेकल्स, तो उसको सेंट्स प्ले भी कहते हैं, और पेजेंट प्ले भी इनको कहा जाता है। ओके, तो मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, मिरेकल प्ले, ये काइंड्स हैं वर्नाकुलर ड्रामा के। ओके, तो ये थ्री टाइप्स हो जाते हैं। तो मिरेकल प्ले सेंट्स एंड सेजेस होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट, जो मिरेकल्स इसमें परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी मैन अ फेमस प्ले ऑफ द 15th सेंचुरी वॉज आ, ये बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरी मैन बिल्कुल सरफेस का क्वेश्चन है, कोई डीप क्वेश्चन इसको नहीं मानेंगे, पहली बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ कुछ नया क्वेश्चन है, अदरवाइज ये बहुत ही सिंपल और ईजी क्वेश्चन है कि ये फेमस प्ले है 15th सेंचुरी का, एवरी मैन, उसका जेनर पूछा गया है, यस जेनर, मोरालिटी प्ले है वो, क्या है, मिस्ट्री प्ले है, मिरेकल है, इंटरल्यूड है, नो मोरालिटी प्ले है, इसके राइटर अननोन है, ठीक है, ये हाँ ये सही है कि अननोन है, इसका कुछ नहीं पता है इसका, और इसी तरह के 15th-16th सेंचुरी में ये मोरालिटी प्लेज ये वाला लिखा गया था उस टाइम पे, और भी जो इम्पोर्टेंट मोरालिटी प्ले हैं जैसे कि विजडम है, मैनकाइंड है, वो भी हो जाएंगे, और ये एवरीमैन बहुत ही फेमस एक मोरालिटी प्ले है, मोरल सीखने को जिसमें हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अगेन, विच इज़ नॉट अ पी इन जॉन हेवुड्स इंटरल्यूड फोर पीस। अब ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 के 20 क्वेश्चन यूनिक है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं वेस्टेज रखा गया है इसमें कि रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, नो, ये जो फोर पीस करके जो फोर पी यानी कि पी है, कुछ पी से कुछ चार नाम है ऐसे, ओके, तो वो फोर पी उनको कह रहे हैं, एक इंटरल्यूड है ये। ओके, और ये जॉन हेवुड्स का लिखा गया है, तो इसमें इन फोर पी के जो वो फोर पी हैं उनके नाम हमको पता होना चाहिए, इनमें से एक गलत है, तो वो यही पूछ रहे हैं वो गलत कौन सा है, ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा द पाइपर। ओके, तो सही कौन सा हो जाएगा, देखिए एक तो होता है द पामर, देन द पार्डनर एंड द पैडलर, ओके, और एक होता है पैथो कैरी, अभी मैं आप लोगों को इसका पिक्चर शो कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये जो है हमारे फोर पीज़ में, पामर, पार्टनर,
पैथो, पैटोकैरी एंड पैडलर, ओके, तो वो पाइपर नहीं है। तो ये जॉन हेवुड का वर्क है, 4P, बहुत इंटरेस्टिंग नेम है, आपको याद रह जाएगा इजीली, 4 और P। तो ये जो पी हैं इनके चारों के नाम हमें पता होना चाहिए, पामर, पार्टनर, पैटोकैरी एंड पैडलर, पाइपर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एपिलॉग इज इन अ प्ले अपियर्स। एपिलॉग क्या होता है, एक प्ले में, एक ड्रामा में अपियर होता है कब, शुरू में, एंड में, मिड में। आंसर इज एट द एंड ऑफ द, एट द एंड ऑफ द प्ले। आंसर इज बी, एट द एंड ऑफ द प्ले। इसको हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उपसंहार। जैसे कि एक बार बता देंगे तो आप लोगों को आइडिया लग जाता है ना, उपसंहार होता है, एक प्रस्तावना हम लोग लिखते हैं ना, तो जो प्रस्तावना होती है ना वो होता है प्रोलॉग, ओके, जो कि बिगिनिंग में होता है, जो है ना, ये जो पूछा गया है इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले अगर पूछ लेते तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोलॉग, ओके। एपिलॉग होता है इसे प्रोलॉग होता है, एंड एट द एंड ऑफ द प्ले होता है हमारा एपिलॉग, ओके, प्रस्तावना, उपसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी ड्रामेटिक यूनिटीज वर रिकमेंडेड बाय द ग्रीक्स। अब ये क्या है यूनिटीज़, तो ये होती हैं, एक जो रिकमेंड किया जाता है ड्रामा को जब लिखते हैं तो ये 3 यूनिटीज़ उसमें ज़रूर होनी चाहिए, ओके। तो देखिए कितनी है, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 ड्रामेटिक यूनिटीज़ अकॉर्डिंग टू ग्रीक, ग्रीक्स के द्वारा कितनी यूनिटीज़ बताई गई हैं ड्रामेटिक, ओके। तो वो होती कौन सी हैं 3, 1 इज एक्शन, टाइम एंड प्लेस। क्योंकि ये मैं नाम इसलिए बता रही हूँ, ऐसा भी पूछ सकते थे ये 3 लिखकर एक अदर लिख देते कि कौन सी नहीं है, तो कैरेक्टर लिख देंगे, मे बी कुछ भी लिख सकते हैं, प्लॉट लिख देंगे, तो वो नहीं है। बट मेन कौन सी है, वो जो 3 होती हैं ये पूछा गया है, ड्रामेटिक यूनिटीज़ और यूनिटी, जो कि यूनिटी बनाती है एक ड्रामा को, यूनिट करती हैं वो, एक्शन उसमें होना चाहिए, टाइम और प्लेस, ओके। तो ये हो जाते हैं 3 इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक यूनिटीज बाय द ग्रीक। द फर्स्ट ट्रेजेडी गॉर्बोजक वॉज लेटर गिविन द टाइटल। तो अब हमने, मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी है, फर्स्ट कॉमेडी इन इंग्लिश कौन सा है, ग्रेव ऑफ ट्रेजेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक क्वेश्चन है, ये एज इट इज़ क्वेश्चन है, हम जो लिटरेचर स्टूडेंट हैं उनको आना ही चाहिए। तो जो फर्स्ट ट्रेजेडी है गॉर्बोजक वॉज लेटर गिविन द टाइटल फॉरेक्स पॉडेक्स। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि हम ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, ये लेसन वीडियो में बना रही हूँ, ड्रामा के तहत बना रही हूँ, लिटरेरी फॉर्म ड्रामा, तो उसके ही ये टाइप्स होते हैं, ट्रेजेडी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, ओके। ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, अवेलेबल है, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा मैंने पढ़ाए हैं, बहुत ही डिटेल से पढ़ाए हैं और बहुत अप्रिसिएशन मिला है उनको स्टूडेंट्स का, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपका क्लियर होगा। इसीलिए यहाँ सिर्फ MCQs बनाए जा रहे हैं, ड्रामा का आप लोग वो पढ़ लेंगे ना, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, अगर जिनका सिलेबस में ड्रामा है, क्लियर है आपका, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रेजेडी है, ये नाम याद रख लेना, गॉर्बोजक, ओके। और इसको टाइटल एक और क्या दिया गया था लेटर, बाद में कौन सा टाइटल दिया गया था, दैट इज़ फॉरेक्स पॉडेक्स, ओके। ये लिखा किसने ये वर्क, अब फर्स्ट ट्रेजेडी है, नाम हो गया, अब राइटर भी पता लगा लेते हैं, तो आंसर इज थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल, ओके। इंग्लिश प्ले है ये, इंग्लिश ट्रेजेडी है, इंग्लिश में है, तो थॉमस नॉर्टन, थॉमस सैकविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज सपोज टू बी द फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी इन इंग्लिश। अगेन फर्स्ट ट्रेजेडी डिस्कस हो गई, एंड देन फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी इन इंग्लिश कौन सी मानी जाती है। आंसर इज ऑप्शन डी, रोस्टर डोस्टर। इसका फुल टाइटल है रैल्फ रोस्टर डोस्टर, इसके आगे आप रैल्फ भी लगा दें अगर ऐसा पूछे तो, ये कोई अलग नहीं, यही है, इसको कॉमनली रोस्टर डोस्टर कह लेंगे, बट इसका फुल टाइटल रैल्फ रोस्टर डोस्टर है, बाय निकोलस यूडेल, ओके। निकोलस यूडेल ने इसको लिखा है, फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी इन इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ट। बहुत ही फेमस है ये, शेक्सपियर का नाम इसमें आता है, तो ये बिल्ट कब हुआ था, 1599 में बिल्ट हुआ था बाय शेक्सपियर्स प्लेइंग कंपनी, ओके। तो ये शेक्सपियर का द ग्लोब थिएटर उनके कंटेंट में कंसिडर किया जाता है द ग्लोब, और ये 1599 में इसको बिल्ट किया गया था। देन इन विच प्ले इज़ देयर अ कास्केट सीन। देखिए सीन्स, अब जब ड्रामा पढ़ रहे हैं ना, ये ड्रामास में जो बहुत फेमस ड्रामा हो गया, जैसे शेक्सपियर का मैकबेथ है, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, अगेन, तो वैसे ही उसमें ना शेक्सपियर के ड्रामा है ही इतने बहुत ही फेमस है, इंपॉर्टेंट है, तो उसमें उनके तो सीन भी के कैरेक्टर फेमस है, सीन सीन तक फेमस है, तो कास्केट सीन का नाम पूछ लिया गया है कि कौन से आपके प्ले में हमको कास्केट सीन मिलेगा। आंसर इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस।
मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का वर्क है, एक कॉमेडी वर्क है। इसमें हमको बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मिलते हैं, शाइलॉक। इसके जो मेन कैरेक्टर हैं शाइलॉक हमको मिल जाएंगे, क्योंकि इस कैरेक्टर से क्वेश्चन बनता है। जहाँ जैसा क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वही मैं आप लोगों को तुरंत बता देती हूँ, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। कैसे? अब जैसे कि सीन पूछ लेंगे, ओके, उसका जनर पूछेंगे ट्रेजेडी है कि कॉमेडी है, उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पूछ लेंगे और उसका कोटेशन से क्वेश्चन आ जाता है। कोटेशन या फर्स्ट ओपनिंग लाइन क्या है, ओके। तो ये जो कैस्केड सीन है मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, जैसे कि हमारा घोस्ट सीन होता है उसमें, ठीक है। मैकबेथ में कई इंपॉर्टेंट सीन है जो कि बहुत फेमस है, तो इन द सेम वे कैस्केड सीन मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक कॉमेडी है, जैनर इसका शाइलॉक इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बाय शेक्सपियर। इतना आपका बनता है क्वेश्चन। पॉइंट्स: लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, दीज लाइन्स अकर्स इन, हमको ये लाइन मिलेंगी कहाँ पर? मैंने बोला ना कोटेशन से क्वेश्चन आ जाएगा, तो मैकबेथ की ये लाइन है स्टूडेंट। मैकबेथ एक ट्रेजेडी वर्क है बाय शेक्सपियर। एडिसन्स ट्रेजेडी कैटो हैज़ बीन कॉल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, कैटो ट्रेजेडी वर्क है बाय एडिसन, ओके, जोसेफ एडिसन फुल नेम। जोसेफ एडिसन्स ट्रेजेडी कैटो हैज़ बीन कॉल्ड व्हाट? आंसर इज सी, द ग्रेव ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। यस, द ग्रेव ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी विच वर्क इज कॉल्ड, सो आंसर इज कैटो। लिखा गया था ये 1712 में बाय जोसेफ एडिसन, हमको इसी को कंसिडर कर लेना है, ग्रेव ऑफ ट्रेजेडी कैटो, कैट की ग्रेव। ऐसे आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ट्रिक तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जाएगा, ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज़ बेस्ड ऑन, तो ये जो ड्राइडन का वर्क है इस किस वर्क पर बेस्ड है, ओके, इंस्पिरेशन लिया उससे रिलेटेड। आंसर इज सी, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, ओके, सॉरी एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इसका आंसर है, ये एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। सो द डाइडेंस ऑल फॉर लव इज़ बेस्ड ऑन एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, दिस इज ऑल्सो वर्क बाय शेक्सपियर, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। नेक्स्ट वर्ड इज ड्राइडेंस मैकफ्लेक्नो इज अ सटायर ऑन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये जो ड्राइडन का वर्क है मैकफ्लेक्नो एक सटायर है, इसका जेनर भी बता दें। सटायर, सटायर मतलब किसी पर ताना कसना, व्यंग कसना, इस तरह के वर्क भी लिखे जाते, तो ये सटायर है किस पर, ओके, ये पर्सनल भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, कोई सामाजिक मुद्दा है उस पर उन्होंने सटायर लिख दिया, ओके, लिटरेचर में ऐसे होते हैं ये। तो ड्राइडन ने ये जो मैकफ्लेक्नो लिखा था ये सटायर, ये फुल्ली जो अटैक किया था इन्होंने शेडवेल पर, आंसर इज थॉमस शेडवेल, फुल नेम इनका है थॉमस शेडवेल, पर ये एक डायरेक्ट अटैक था और ये एक सटायर था, ठीक है। मैकफ्लेक्नो वर्क है किसका? सटायर है बाय ड्राइडन। इन सब तरह से पॉइंट बन जाए आपके। हु इज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ मास्क इन इंग्लिश? आंसर इज बेन जॉनसन। इनमें से कौन है मोस्ट फेमस मास्क राइटर इन इंग्लिश? तो हमारे हो जाएंगे बेन जॉनसन। मास्क इज द जैनर ऑफ ड्रामा, ओके, एक ड्रामा के अंदर सब उसका टाइप्स होता है, जैनर होता है, और ये एक तरह का जो कठपुतली के तमाशा होता है वो होता है ये। तो बेन जॉनसन ने जो मास्क लिखे हैं उसके कुछ आपको एग्जांपल बता देते हैं, द मास्क ऑफ ब्यूटी, द मास्क ऑफ क्वीन, ये वर्क है बेन जॉनसन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन बोरोड द थीम ऑफ कॉमर्स फ्रॉम, अब ये जो वर्क है कॉमर्स बाय मिल्टन की थीम पूछ ली गई है यहाँ, तो आंसर इज होमर्स ओडिसी, होमर्स ओडिसी, होमर का जो वर्क है ओडिसी उससे प्रभावित हुए उन्होंने, वहाँ से अपनी थीम ली है कॉमर्स की और उन्होंने अपना लिखा है ये वर्क बाय मिल्टन, कॉमर्स मिल्टन, हमें ये दो वर्क याद रखना है, देन इंस्पिरेशन फ्रॉम ओडिसी। नंबर 17, इन विच लिटरेरी एज डिड पोइटिक प्लेस बिकम पॉपुलर, पॉपुलैरिटी पूछी है, ओरिजिनेशन नहीं पूछा है, स्टार्टिंग नहीं पूछी है, बिगिनिंग नहीं पूछी है, तो पॉपुलैरिटी पूछ ली है, आंसर इज ऑप्शन सी, रोमांटिक एंड विक्टोरियन एज। बिकॉज स्टूडेंट स्टार्ट लिखना तो ये एलिजाबेथन में भी लिखे जा रहे थे, पोएटिक प्ले यानी कि जो वर्स प्ले होता है, ठीक है, प्ले में वर्स वे में लिख दिया वो गाना टाइप में, ठीक है। तो अब उस समय भी शेक्सपियर के जो वर्क हैं उसमें भी बीच बीच में टू लाइंस ऐसे दे दी होती थी, ठीक है, वर्स दे दिए होते थे, तो हो गया। लेकिन पॉपुलैरिटी पूछिए रोमांटिक एंड विक्टोरियन एज का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु नोज द वर्ल्ड मे एंड टू नाइट, कोटेशन है, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हु नोज द वर्ल्ड मे एंड टू नाइट, ये कोटेशन
कहाँ से ली गई है? द आंसर इज द लास्ट राइट टुगेदर. सो एंड ये जो वर्क है द लास्ट राइट टुगेदर है, ये हमारा रॉबर्ट ब्राउनिंग का, ओके, रॉबर्ट ब्राउनिंग्स का वर्क है द लास्ट राइट टुगेदर, और वहाँ से हमारी ये कोटेशंस ली गई है. हु नोज द वर्ल्ड मे एंड टू नाइट, इंपॉर्टेंट है ये लाइन. द फ्रेज डॉन जुआन इन हेल, ये कुछ ऐसे वर्क होते हैं, किसी के सीन फेमस, कैरेक्टर फेमस, स्टोरी फेमस हो जाती है. हाँ, पर कहीं कहीं ऐसे एक तो एक का डायलॉग इतना ऐसा निकल जाएगा जो कि फेमस हो जाएगा. तो ये वही है, एक फ्रेज, एक डायलॉग हम कह सकते हैं, डॉन जुआन इन हेल. ये आपको जी बी शॉ के किस प्ले में मिलेगा, ओके, ये डायलॉग, ये फ्रेज फेमस हुआ है. तो आंसर इज बी, मैन एंड सुपरमैन, ओके. ये एक फोर एक्ट ड्रामा है और ये 1903 में पब्लिश इनका हुआ था. ये याद आप रख लेंगे, जी बी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ड्रामा, दैट इज मैन एंड सुपरमैन, उसका ये फेमस फ्रेजेस है, डॉन जुआन इन हेल, ये जो गए हैं नरक में, ठीक है. ऐसे राइडर्स टू द सी, अ वेरी पॉपुलर वन एक्ट ट्रेजेडी, ठीक है, वन एक्ट ट्रेजेडी है, सब इसमें पहले बता दिया है. राइडर्स टू द सी पूछ लिया गया है, रिटन बाय होम, आंसर इज जे एम सिंच, जॉन मलिंगटन सिंच, ओके. ये आयरिश रहे और फर्स्ट जो पब्लिश्ड फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था इस वन एक्ट प्ले का, दैट इज इन 1904, ओके. तो ये राइडर्स टू द सी है, पॉपुलर वन एक्ट ट्रेजेडी है, और जे एम सिंच. अब हमने शुरुआत देखी, इसमें अगर ड्रामा पड़ा है तो हम मॉडर्न एज तक भी आ गए. 1904 में इसको परफॉर्मेंस हो रहा है तो कहाँ 19 में, और 15-16 के समय जो लिखी गई पहला, ठीक है, गॉर्बोडक का हमने पढ़ा कब लिखा गया, 16th के समय में जो शेक्सपियर के वर्क रहे. तो ये ड्रामा को आप ऐसे ही कवर करें, बहुत ज़्यादा इसका डीप अगर आप देखेंगे. लेकिन हाँ, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो फॉर्म से बन जाएंगे उसकी, अगेन मैं आपको बता दूं, लिटरेरी फॉर्म से ड्रामा, तो उसके टाइप से बन जाएंगे. जैसे कि हमने पढ़ लिया उसमें मोरालिटी प्ले, मिरेकल प्ले, ओके, पोएटिक प्ले, मिस्ट्री प्ले, ट्रेजेडी कॉमेडी, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ड्रामा से. देन और उसके ड्रामाटिस्ट से बन जाएंगे, उनकी बायोग्राफी से, ड्रामा फेमस वर्क बनेंगे, ओके, और उनकी फॉर्म से. तो ये इंपॉर्टेंट, हमने क्वेश्चंस का लेवल देखा, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ इसको आप लोग शेयर ज़रूर करें नीडी पर्सन के साथ. ये UKLT के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका ड्रामा सिलेबस में है और जिसमें कि नहीं लिखा है कि कौन से राइटर आएंगे, कौन सा आपका वर्क आएगा. तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को खुद से समझें कि ऐसा आपका पैटर्न पाएगा एग्ज़ाम के लिए. और जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होंगे, तो अब हम सभी इस बात से फुल्ली अवेयर हैं कि किस तरह से पूरे कंट्री में बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है. तो जो कंडीशन है इस टाइम की, उसको देखते हुए तो शायद अभी एग्ज़ाम आपके आगे ही बढ़ेंगे. हाँ, पर आप लोग अपनी स्टडी अच्छे से करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन. खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए. जय हिंद.